हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही खास और दिलचस्प टॉपिक पे, और वो है स्मैश 2000 प्लस फायर कंट्रोल सिस्टम। इसे हम एंटी ड्रोन सिस्टम भी कहते हैं, ड्रोन किलर, और इसे इंडियन नेवी ने ऑर्डर किया है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर स्मार्ट शूटर इज़राइल। और ऐसी खबर है कि अब इंडियन आर्मी और BSF भी बात कर रही है इसके मैन्युफैक्चरर से। आप देख सकते हैं इसका जो टैग लाइन है वो है वन शॉट वन किल, यानी इसके जो बुलेट हैं वो कभी ख़राब नहीं जाते हैं, बेकार नहीं जाते। इसके दो वर्जन अब तक निकले हैं, जिसमें पहला है स्मैश 2000। इसे फॉर ह्यूमंस के लिए यूज़ किया जाता था, और ख़ास करके ये टेररिस्ट को, आतंकवादियों को उड़ाने में बड़ा काम आया। और इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 2013-14 में, और उसके बाद से ये इसने काफ़ी तहलका मचाया। पर जब से इसका एंटी ड्रोन सिस्टम आया है, यानी स्मैश 2000 प्लस, तब से ये ज़्यादा चर्चा में आ चुका है, क्योंकि अब ड्रोन के खतरे और स्मॉल UAVs के खतरे बढ़ चुके हैं पूरी दुनिया में। इसकी क्या खास बात है वो आपको मैं बताता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी वन शॉट वन किल, और इसीलिए इसका जो यूज़र है, जो इसे यूज़ करता है, वो भी अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकता है, यानी वापस रिटर्न फायर कभी नहीं आएगा। दूसरा, इसे दोनों आंखों को खोलकर फायर किया जा सकता है, इसीलिए ये काफ़ी फायदेमंद है और काफ़ी इजीली इसे फायर किया जा सकता है। और चूंकि ये फर्स्ट राउंड में ही ये हिट करता है, इसीलिए जो इंगेजमेंट टाइम है वो कम कर देता है। और इसके अलावा जो और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन फटीक, और आदि से जो सैनिक है हमारा वो थका हुआ है, तो उस कंडीशन में भी ये इसका जो शॉट है वो कभी बेकार नहीं जाता है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो कंट्रोल करता है ये सिस्टम। इसमें जो सबसे ख़ास बात है वो आपको बताता हूँ मैं, और वो ये है कि इसमें इसका जो स्कोप है वो फायर को कंट्रोल करता है, यानी जो स्कोप इसमें अटैच होता है वो इसके फायर को कंट्रोल करता है, और जब तक टारगेट लॉक नहीं हो जाता सही तरीके से तब तक वो फायर करने ही नहीं देता है। यानी अगर आप ट्रिगर दबा भी देंगे तो बुलेट फायर नहीं होगा, जब तक वो निश्चित नहीं करता है कि हाँ ये जो फायर है, जो शॉट है, ये जाके हिट करने वाला है, और तब जाके स्कोप ट्रिगर को रिलीज़ करता है। ये सबसे अच्छी बात है, और इसे बुलेट की बचत भी होती है, इसीलिए कहा जाता है इसे वन शॉट वन किल। और अब इसका जो स्मैश 2000 प्लस मोड जो आया है, यानी जो मॉडल आया है, वो फॉर ड्रोन्स एंड स्मॉल UAVs। इंडिया में इसे AK-47 या AK-203 पर माउंट किया जाएगा स्मैश 2000 प्लस को, और जो कि ऑर्डर हो चुका है, इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इसे इंडियन नेवी को हासिल हो, और साथ में आर्मी और BSF जो कि बात कर रही है स्मार्ट शूटर से, वो इस नेगोशिएशन को ख़त्म करें और इंपोर्ट का रास्ता साफ करें, ताकि LAC और LOC पर अच्छे तरीके से काम हो सके, और ख़ासकर जो छोटे छोटे ड्रोन्स जो पाकिस्तान भेजता रहता है उसको उड़ाने में आसानी हो, और LAC पर भी अच्छे तरीके से हम चाइनीज़ PLA पर निगरानी रख सकें। तो इसी बात पे दोस्तों इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।